घोड़े झांसी की रानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के, कुछ पन्ने अमर कहानी के, तू एक उछाल उमंग भरता, नाले के पार उतर जाता, बस इतना कर जाता फिर चाहे अगले पल ही मर जाता। नमस्कार, आज झांसी की रानी की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि को ही बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे साथ पालाराम जी जो बाबा लदाना से वो मौजूद हैं, तो आपको बता दें कि हजारों कविताएं इनको याद हैं। झांसी की रानी का जो बलिदान दिवस है, इन पर भी इन्होंने कविता गाई है। तो आपको सुनाते हैं कि कविता किस तरह से इन्होंने गाई है, किस तरह से तैयार की है, तो पूरी जानकारी के लिए पालाराम जी से बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। तो झांसी की रानी का बलिदान दिवस पर जो आपने कविता बनाई है वो बताइए। झांसी की रानी, आखिरी युद्ध में रानी को काफ़ी चोटें लगी थी, उनकी आंतें बाहर निकलाई थी जिसको उन्होंने अपने फटके से बांध लिया था, उनके सिर में गोली लगी थी। उस हालत में भी उन्होंने 10-15 शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जो आगे एक नाला है, उनका घोड़ा नाले पर ठिठक गया, घोड़ा नाला कूद नहीं पाया, जिससे रानी वहीं रह गई और शत्रुओं के आक्रमण से वीरगति को प्राप्त हुई। कवि ने नाले पर ही और घोड़े पर कविता लिखी। अगर वो घोड़ा नाला पार कर जाता तो हम 1857 में ही आज़ाद हो जाते, लेकिन दुर्भाग्यवश वो घोड़ा नाला पार नहीं करते। तो यहीं से कविता शुरू होती है। घोड़े झांसी की रानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के, कुछ पन्ने अमर कहानी के, तू एक उछाल उमंग भरता, नाले के पार उतर जाता, बस इतना कर जाता फिर चाहे अगले पल ही मर जाता। घोड़े घोड़े झांसी की रानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, क्या तेरी काठी पर उस दिन असवार सिर्फ महारानी थी, क्या तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी, क्या वो केवल महारानी भर नहीं थी, क्या तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी, अपना बेटा लिए पीठ पर केवल झांसी की रानी थी। हे यश्व काश तू भूल गया, भावी इतिहास पीठ पर था, भारत का भाग्य और विश्वास पीठ पर था, सचमुच उस दिन साकार क्रांति कर रही तुझ पर असवारी थी। हे यश्व काश समझा होता, वो घड़ी युगों पर भारी थी, तेरे इस एक फैसले से भारत का भाग्य संवर जाता, बस इतना कर जाता फिर चाहे अगले पल ही मर जाता। घोड़े घोड़े झांसी की रानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। हे यश्व काश उस दिन तूने चेतक को याद किया होता, नाले पर ठिठके पाँव मैं उन्माद भरा होता, चेतक भी यों ही ठिठरा था, राणा प्रताप पीठ पर था लहू लुहान थका हारा, मेवाड़ी ताज पीठ पर था, पर नाला पार कूदने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी, स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी। भूचाल चाल में भर लेता कर अपना नाम अमर जाता, बस इतना कर जाता फिर चाहे अगले पल ही मर जाता। घोड़े घोड़े झांसी की रानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। तो अब कवि नाले पर ही लिखता है, नाले तू ही कुछ करता, हे नाले तू ही कुछ करता, निज पानी सोख लिया होता, रानी को मार्ग दिया होता, अनभल को रोक लिया होता, तो तुझको गंगा मान आज हम तेरा ही पूजन करते, तेरे जल के छींटे देकर अपने तन पावन करते, तेरे इस एक फैसले से भावी का लेख बदल जाता, बस इतना कर जाता फिर चाहे अगले पल ही मर जाता। घोड़े घोड़े झांसी की रानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। जय भारत माता, जय लक्ष्मीबाई जी। तो ये मतलब इसके अलावा कितनी आपको कविताएं याद हैं जी?
और भी काफी कविताएं याद है जो पुराने सांगी होंगे, जो रागनी भजन वो काफी याद है। अच्छा। और ये कविता मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, ये बलबीर सिंह जी करुण है शायद रंगना, अंतर्राष्ट्रीय कवि है, मैंने सोशल मीडिया पर उनसे सुनी है, वही आपको सुनाई। तो मतलब है, आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं पढ़ाई तो सातवीं क्लास तक। अच्छा, सातवीं क्लास तक। तो ये शौक आपको कविताएं याद करने का? हाँ हाँ, बचपन से ही था। अच्छा। अब जब पहले सांग होते थे, सांग सुनते थे, देखते उसमें याद होते। आपकी खुद की बनाई हुई भी है कुछ कविता? हाँ, मेरी अपनी बनाई हुई बहुत कविता है। कितनी का है? होंगी 20-30 तो है। अच्छा। तो मतलब सारा दिन आप यही करते हो कुछ? नहीं, सारा दिन तो नहीं, जब भी कभी टाइम लगे, दिमाग उस साइज में लगे तो हो सकता है। जी जी। तो ये थे हमारे साथ पाला राम जी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँच सके।